नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। यूपी के बाराबंकी में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 39,097 मामले आए सामने, 586 लोगों की हुई मौत। कोरोना प्रतिबंधों में ढील के साथ 25 जुलाई से कर्नाटक में खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी गुरु पूर्णिमा की बधाई, बोले जहां ज्ञान वहीं पूर्णिमा वहीं पूर्णता। आखिरी मैच में श्रीलंका ने मारी बाजी, क्लीन स्वीप करने से चुका भारत। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत का आगाज, न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 आतंकी, मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के पूंछ के मनकोटा सेक्टर में एलओसी के पास माइंड ब्लास्ट, एक जवान शहीद। पेगासस केस पर अमेरिका ने जताई चिंता, का हम सुनिश्चित करेंगे कि कंपनियों के टूल्स का इस तरह से इस्तेमाल ना हो। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत गंभीर, लाइफ सपोर्ट पर बीजेपी नेता की निगरानी में 5 विभागों के डॉक्टरों की टीम। यूपी में योगी सरकार का दावा, 4.5 साल में 6,65,000 सरकारी नौकरी दी है। समस्तीपुर के बागमती नदी से 5 लोगों का निकाला गया शव, नाव डूबने की वजह से हुआ था हादसा। मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे गए अपशब्द का वीडियो वायरल। रैली के दौरान प्रधानमंत्री को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी गाली, बीजेपी की शिकायत पर 12 लोग के खिलाफ दर्ज। भारी बारिश ने किया महाराष्ट्र बेहाल, रायगढ़ में भूस्खलन से अब तक 36 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताई संवेदना। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे सीएम उद्धव। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर, तकरीबन 15 लाख आबादी प्रभावित। मणिपुर हाई कोर्ट के राज्य सरकार ने एनएसए के तहत गिरफ्तार हुए पत्रकार किशोर चंद्र वाघ खेम को किया रिहा। बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं, अभिजीत सरकार की कथित हत्या में 2 और गिरफ्तार, अब तक 7 अरेस्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का अधिकार। राजकुंद्रा मामले में नया मोड़, पुलिस ने कोर्ट में किया चैट का खुलासा, कहा 8.9 करोड़ में बेचने वाले थे 121 पॉर्न वीडियोस। शिल्पा शेट्टी का राजकुंद्रा की कंपनी से इस्तीफा, बियान इंडस्ट्रीज में थी डायरेक्टर। यूपी के केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले शख्स पर एफआईआर दर्ज। बिहार में सीएम नीतीश कुमार बोले जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, केंद्र सरकार इस पर विचार करे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।